वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनासोर यानी कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल है उनके बारे में। तो देखिए, टॉपिक है हमारा डायनासोर यानी कि एक्सटिंक्ट एनिमल, और हमें यहाँ पर डायनासोर के जो कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करने हैं, जैसे कि डायनासोर की मीनिंग, दूसरा है इसके बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, ओरिजिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इनके एरिया की बात, क्लाइमेट्स, इनका हैबिट यानी कि इनका स्वभाव किस प्रकार का था उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डायमेंशन यानी कि इनका परिमाण, आकार, साइज, किस प्रकार के ये साइज में एनिमल होते थे, साथ ही साथ इनके क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम ये जानेंगे कि ये जो एनिमल हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं ये इस पृथ्वी पे से किस प्रकार से ख़त्म हुए हैं, यानी कि इनका खात्मा जो है वो किस प्रकार से हुआ है, उनके सभी रीजन्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो बारी बारी से इनके सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर के मीनिंग के बारे में। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं मीनिंग ऑफ डायनासोर यानी कि डायनासोर के मीनिंग का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो देखिए, 1824 में खुदाई का काम जारी था एक जगह के ऊपर, यानी हम बोल सकते हैं ब्रिटिश या ब्रिटेन में खुदाई का काम जारी था। उस टाइम क्या हुआ कि बहुत बड़े बड़े जीवों के कंकाल अवशेष के रूप में प्राप्त हुए, अवशेष के रूप में कंकाल प्राप्त हुए, जिनको वहाँ के जो ब्रिटिश जैव पुरातात्विक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने उन कंकालों का जो नाम है वो डायनासोर रख दिया। तो हुआ ये कि 1824 की बात है, 1824 में सर रिचर्ड आवेन एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश रिचर्ड आवेन, ठीक है, इन्होंने खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए थे उन अवशेषों को देख करके उनका नाम डायनासोर रख दिया, ठीक है। जबकि डायनासोर जो मीनिंग है वो एक प्रकार के ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी है, जिसका अगर हम अर्थ देखेंगे तो टेरिबल लीजार्ड होता है, टेरिबल लीजार्ड। टेरिबल लीजार्ड से मतलब होता है कि भयानक छिपकलियाँ, यानी कि बड़ी बड़ी छिपकलियाँ। क्यों? क्योंकि डायनासोर के जो कंकाल थे वो इस प्रकार के प्राप्त हुए जैसे कि वो रेप्टाइल हो, इसलिए इन डायनासोर को रेप्टाइल वर्ग में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वैसे करैक्टर की बात करें तो सबसे पहला करैक्टर जो है वो ये है कि इन एनिमल्स का जो शरीर है वो कोल्ड ब्लडेड शरीर था। दूसरा, इनके शरीर के ऊपर जो स्कल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, बॉडी के ऊपर सलके जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तीसरा ये कि ये जो एनिमल है वो रेस्पिरेशन जो है यानी कि श्वसन की जो क्रिया है वो लंग्स के माध्यम से करते थे। किसके माध्यम से? लंग्स के माध्यम से ये अपनी क्रियाएं करते थे। इसके बाद में इनकी जो उत्पत्ति है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन वैज्ञानिक, इस वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग नाम इनका डॉक्टर फ्रेडरिक वॉन हुवेन, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक वॉन हुवेन, इन्होंने बताया कि डायनासोर की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। डायनासोर की जो उत्पत्ति है वो कोटिलोसोर, कोटिलोसोर एनिमल से हुई है, जबकि इनके अगर समय की बात करी जाए, टाइम पीरियड की बात करी जाए कि ये किस समय जो है वो इस प्रकृति के ऊपर जन्मे थे तो कार्बोनिफेरस पीरियड से इनकी उत्पत्ति हुई थी, और ये ट्राई एसिक पीरियड तक इस पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार जमा करके रखे हुए थे। और इसका मैं अगर समय देखूं अप्रोक्सीमेट तो लगभग 100 मिलियन करोड़ ईयर पहले की बात है ये, यानी कि लगभग 100 मिलियन करोड़ वर्ष पहले ये डायनासोर जो है इस प्रकृति के ऊपर पाए जा रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया की तो इनका जो एरिया है, ठीक है, वो संपूर्ण पृथ्वी पे ये प्रेजेंट थे, सभी जगह पे ये पाए जा रहे थे, लेकिन
केवल एक ऐसा एरिया था जहाँ पर ये एब्सेंट थे, यानी कि नहीं पाए गए, वो है न्यूजीलैंड। यानी कि केवल न्यूजीलैंड को छोड़ कर के ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर पाए जाते थे, ये वितरित हो गए थे या फैल गए थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, अगला पॉइंट, क्लाइमेट, यानी कि जब डायनासोर पृथ्वी पे जीवित थे उस समय वातावरण कैसा था। तो क्लाइमेट जो थी वो अर्ध शुष्क प्रकार की थी। कैसे थी? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क से मतलब ये हो गया कि गर्म भूमि भी थी, ठीक है, और प्लस में नमी युक्त भी थी, नमी भी थी। इसके साथ साथ जो भूमि है, जमीन है, ठीक है, ये ज़मीन जो है वो दलदल प्रकार की थी, दलदल प्रकार की थी। साथ ही घने जंगल भी पाए जा रहे थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उस टाइम क्या थे, पाए जा रहे थे इस पृथ्वी के ऊपर। उस क्लाइमेट के अंदर जो डायनासोर हैं वो जीवित रह रहे थे। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं हैबिट के बारे में, डायनासोर के स्वभाव के बारे में। तो दो प्रकार का इनका स्वभाव था। पहला कि ये जो एनिमल थे वो कार्निवोरस थे, यानी कि मांसाहारी थे, और दूसरा ये कि ये जो एनिमल थे वो शाकाहारी थे, यानी कि हर्बीवोरस, या भी बोल सकते हैं एक तरीके से कि वेजिटेरियन डायनासोर भी ये प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, डायमेंशन की बात करें, अगर डायनासोर का डायमेंशन देखा जाए तो दो प्रकार का डायमेंशन आपको नज़र आता है। सबसे स्मॉलेस्ट डायनासोर भी थे, यानी कि 2 फीट इनका आकार था, और ये आपको एज ए डोमेस्टिक कैट की तरह नज़र आते थे। नाम इनका कॉम्सोग्नेथस। सबसे छोटे आकार का डायनासोर कौन सा है? कॉम्सोग्नेथस है। वहीं अगर सबसे बड़े डायनासोर की बात करी जाए, जिसका जो आकार है वो 120 फुट बड़ा था और 40 टन इसका क्या था, वेट था, उसे हम बोलते हैं जाइगेंटोसोरस। तो दोनों प्रकार का डायमेंशन है, छोटे से छोटा डायनासोर भी प्रेजेंट है और बड़े से बड़ा डायनासोर भी प्रेजेंट है। वहीं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो डायनासोर जो है उसको यहाँ पर दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है इसका सोरीसिचिया, जबकि दूसरा ऑर्डर है इसका ऑर्निथिसिचिया। सोरीसिचिया को वापस से फिर 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला सब ऑर्डर है सिलुरोसोरिया, सेकंड है कार्नोसोरिया, और तीसरा है यहाँ पर सोरोपोडा। उसी प्रकार से जो यहाँ पर ऑर्निथिसिचिया है इसको भी 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्निथोपोडा, दूसरा है यहाँ पर स्टेगोसोरस, और तीसरा है सिरेटोप्सिया। अब दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? तो देखिए, इस साइड के जो डायनासोर हैं ये सभी मांसाहारी डायनासोर हैं, यानी कि कार्निवोरस, जबकि इस कैटेगरी में आने वाले जो डायनासोर हैं वो सारे वेजिटेरियन डायनासोर हैं, यानी कि शाकाहारी डायनासोर हैं। इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, पहले बात करते हैं सोरीसिचिया सब ऑर्डर में आने वाला जो पहला सब ऑर्डर है सिलुरोसोरिया, उसके बारे में। तो देखिए, सिलुरोसोरिया जो है ये पहला मांसाहारी का उपगण है या सब ऑर्डर है, जिसकी अगर विशेषता देखी जाए तो इसमें आने वाले जो डायनासोर हैं वो स्मॉल साइज के हैं, और ये हाई ग्राउंड पर रहने वाले एनिमल होते हैं, मतलब ऊंची जगह पे, ताकि मांसाहारी डायनासोर जो और हैं वो इनको अपना शिकार नहीं बना सके। इसके अलावा इनकी बोन देखी जाए तो खोखली होती है, और स्केलेटन इनका लाइट प्रकार का होता है, हल्का टाइप का होता है। वहीं इनके समय की बात करी जाए तो इनका जो समय था वो ट्रायासिक काल से लेकर के क्रिटेशियस काल तक ये जीवित रहे थे इस प्रकृति के अंदर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इनका जो एग्जाम्पल है वो पोडेगोसोरस आता है, सिलुरस आता है, ऑर्निथोलिस्टिस आता है, और ट्रायनोसोरस आता है। ये इस प्रकार के जो डायनासोर है उनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं पहला पोडेगोसोरस डायनासोर के बारे में, जो कि मांसाहारी डायनासोर है और शॉर्ट, यानी कि छोटे आकार का है। इसकी जो हाइट है 4 फीट की है, यानी कि कितना बड़ा है ये, 4 फीट लॉन्ग है, जबकि इसका आधा पार्ट जो है ना 2 फीट का, वो इसका टेल पार्ट ही बनाता है। आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये डायनासोर कौन सा है, पोडेगोसोरस है, ठीक है, मांसाहारी डायनासोर है। इसकी पूंछ जो है वो इसका आधा पार्ट बना रही है। ऐसे ही दो और भी इसके कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। अगला आता है यहाँ पर दूसरा सब ऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं कार्नोसोरिया, ठीक है।
कार्नोसोरिया को हम यहाँ पर मेगालोसोरस नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे इस सब ऑर्डर के, वो सारे मेगालोसोरस के नाम से जाने जाएंगे। नेक्स्ट, अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल यहाँ पर तीन आते हैं, एंकिलोसोरस, येलियोसोरस और सेरेटोसोरस। पहले बात करते हैं एंकिलोसोरस की, तो इनकी जो हाइट होती है वो 5 फीट की होती है और इनके पैरों में जो फिंगर होती हैं वो भी 5% होती है। येलोसोरस की बात करी जाए तो इनकी जो हाइट है वो लगभग आपको 34 फीट यानी कि थोड़े बड़े मिलेंगे, जबकि ये मांसाहारी डायनासोर का भक्षण करके उन्हें ही अपना भोजन बनाते हैं, सो ये कार्निवोरस हैं। इनके अंदर जो हाइंड लिम्ब है, फोर लिम्ब है, दोनों ही लिम्ब के अंदर आपको नेल भी मिलेंगे, नेल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट सेरेटोसोरस, इनके अंदर क्या होता है कि जो लोकोमोशन होता है ना वो चारों पैरों की सहायता से होता है, जबकि अगर आप ऊपर देखोगे तो ये मांसाहारी जो डायनासोर हैं उनके अंदर लोकोमोशन बाइपेडल होता है, पीछे के पैरों से गमन करते हैं, आगे के पैरों से ये शिकार को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। अगले यहाँ पर हम उपगण की बात करते हैं या सब ऑर्डर की बात करते हैं, तो तीसरा है सोरोपोडा। सोरोपोडा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके जो फीचर हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है कि इनके अंदर क्वाड्रेट पैडल यानी कि चार पैरों से गमन पाया जाता है, चार लेग होती हैं। दूसरा, इनके अंदर जो दांत होते हैं, दांत ठीक है, वो पेंसिल और स्पून लाइक स्ट्रक्चर के जैसे होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ब्रोंटोसोरस है, डिप्लोडोकस है और जाइगंटोसोरस है। ये तीन कैटेगरी के जो डायनासोर है वो सोरोपोडा सब ऑर्डर में इंक्लूड किए गए हैं। चलो इनके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। पहला आता है ब्रोंटोसोरस, ये इसका डायग्राम है ब्रोंटोसोरस का। इसमें क्या होता है कि इनकी जो हाइट है वो 66 फिट 8 इंच की होती है। नेक्स्ट वेट की बात करा जाए तो 38 टन का वेट होता है। इनके फॉसिल प्रेजेंट है यूएसए के और येल के म्यूजियम में। नेक्स्ट दूसरा जो एग्जाम्पल है वो डिप्लोडोकस है। डिप्लोडोकस का यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, बहुत अच्छा खासा बड़ा सारा क्या है ये डायनासोर है, 87 फीट 87। नेट वेट जो होता है इनका पीछे वाले जो डायनासोर है उनकी तुलना में क्या है, थोड़ा सा कम होता है। एलिफेंट लाइक इनकी क्या होती है, बॉडी होती है। टेल इनकी अप्रोक्सीमेट 10 फीट लंबी होती है और अगर हम टेल का अगर आकार देखें तो विप के जैसे नज़र आती है आपको, ये जो टेल है उसका आकार जो है वो एक हंटर चाबुक के समान आपको नज़र आता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो है जाइगंटोसोरस और ये सबसे विशालकाय डायनासोर भी है जाइगंटोसोरस। इसकी गर्दन जो है आपको जिराफ की तरह नज़र आ रही होगी, चार पैर हैं, चार पैरों से चलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा रनिंग क्या है कम करते हैं, रनिंग करते नहीं है बिकॉज ये क्या होते हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं। लॉन्गेस्ट डायनासोर 120 फीट क्या होता है इसका साइज होता है, नेक जो होती है जिराफ की जैसे होती है, एक्वाटिक टाइप का ही क्या है डायनासोर है, जल में रहने वाला क्या है डायनासोर है। क्यों, क्योंकि ये कीप अवे फ्रॉम कार्निवोरस, मांसाहारी जीवों से थोड़ा क्या रहते हैं दूर रहते हैं। इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट सब ऑर्डर था वो ख़त्म हो गया, सेकंड है ऑर्निथिसिचिया। ऑर्निथिसिचिया में हम इन डायनासोरों को बीक्ड डायनासोर के नाम से भी जानते हैं और ये वेजिटेरियन डायनासोर होते हैं। इनके अंदर चारों पैरों से गमन होता है और नेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बट हुफ लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, नाल के समान होते हैं, घोड़े की जो नाल आती ना उसके जैसे ये होते हैं। इसको आगे तीन सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला सब ऑर्डर आता है ऑर्निथोपोडा, दूसरा आता है स्टेगोसोरस और तीसरा आता है सेरेटोप्सिया। फर्स्ट यहाँ पर सब ऑर्डर की बात करते हैं ऑर्निथोपोडा की। ऑर्निथोपोडा के यहाँ पर फीचर्स हैं जैसे कि ये बर्ड्स लाइक के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं यानी कि बर्ड्स लाइक इनके फुट पैर होते हैं। नेक्स्ट आर्मोर्ड बॉडी यानी कि यहाँ पर इनकी जो विशेषता है ना वो ये है कि इनकी बॉडी जो है ना वो कवर्ड मिलेगी आपको, कवच रहित ठीक है। नेक्स्ट बाईपेडल लोकोमोशन होता है इसमें, दो पैरों से इनमें क्या होता है गमन होता है। और यूज टू टेक ए क्वाड्रेट सीट यानी कि जब ये बैठते हैं तो ये चारों पैरों की सहायता लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर कॉम्प्टोसोरस है, दूसरा इगोनोडोन है और तीसरा इसमें एनेटोसोरस। ये तीन प्रकार के यहाँ पर डायनासोर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट
दूसरे बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी इनके एग्जांपल को देख लेते हैं। कॉमटोसोरस है जो कि 7 से 17 फीट आकार का होता है, और इनके फॉसिल जो है वो प्रेजेंट है वार्मिंग में। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता चल सके कि वार्मिंग में किस डायनासोर के जो फॉसिल है वो रखे हुए हैं। तो कॉमटोसोरस जो है डायनासोर, उसके कंकाल रखे हुए हैं, ये इसका क्या है डायग्राम है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, इग्वानोडॉन। इग्वानोडॉन जो है, ठीक है, वो 34 फीट लंबा और 20 फुट ऊंचा हाइट में होता है। इनका जो हेड है, ठीक है, वो चोंच के जैसा होता है। फ्रंट टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब आगे के मुख में आगे दांत प्रेजेंट होते हैं। फॉसिल फाउंड फ्रॉम बर्निसांट कोल माइन, यानी कि इनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो कि बेल्जियम के अंदर प्रसिद्ध जो बर्निसाल्ट कोयले की खान है उसकी खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, द स्केलेटन इज़ केप्ड इन द ब्रसेल्स म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि इनके जो कंकाल है वो ब्रसेल्स म्यूजियम में रखे हुए हैं। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है एनेटोसोरस। ये एनेटोसोरस का डायग्राम है, और इसके अगर हम आकार की बात करें तो 30 फीट लॉन्ग होता है, और ये जो है वो रनिंग के लिए फेमस डायनासोर है, मतलब तेज़ दौड़ने में क्या है ये प्रसिद्ध है। और इनकी जो टेल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और ये टेल की मदद से पानी में तैर भी सकते हैं, यानी कि पानी में तैरने के लिए ही इनकी टेल क्या होती है, मजबूत होती है। इसके अलावा स्किन जो होती है वो विदाउट आर्मोरेड होती है, मतलब कवच नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी जो बॉडी होती है वो स्कल से क्या होती है, ढकी रहती है, कवर्ड रहती है। नेक्स्ट, फॉसिल जो होते हैं ना इनके, वो वार्मिंग से और मोंटाना से प्राप्त हुए हैं। वार्मिंग और मोंटाना से इनके फॉसिल प्राप्त हुए हैं, और इनके कंकाल जो हैं वो येल और यूएसए के म्यूजियम में सेफ यानी कि रखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो गण है ऑर्निथिसिया का, जो कि स्टेगोसोरस है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आने वाले जितने भी डायनासोर हैं वो सारे सारे कवच युक्त होते हैं, सबके बॉडी पे कवच होता है, और प्लस में 4 पैरों से चलने वाले होते हैं, 4 पैरों से ही बैठने वाले भी होते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर जो आर्मामेंट होता है बॉडी के ऊपर कवच युक्त कुछ गुले से स्ट्रक्चर निकली रहती है, जिन्हें हम आर्मामेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आर्मामेंट, यानी कि इनमें आर्मामेंट भी पाया जाता था। नया एग्जाम्पल देखें तो स्केलेडोसोरस है, पोलिकैंथस है, और स्टेगोसोरस, इनके तीन ये एग्जाम्पल है। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे पहले स्केलेडियोसोरस, इसकी जो हाइट है वो 12 फुट है, और इनके दो लाइनों में स्कल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के ऊपर, और एक जोड़ी जो होती है, ठीक है, एक जोड़ी जो होती है वो हॉर्न की प्रेजेंट होती है कंधों के ऊपर। हॉर्न मतलब सींग की जोड़ी क्या होती है, इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। दूसरा एग्जांपल है पोलिकैंथस, जिसकी अगर हम बात करें साइज की तो वो 12 फुट लंबा होता है। नेक्स्ट, तीसरा एग्जांपल यहाँ पर स्टेगोसोरस। स्टेगोसोरस की बात करी जाए तो बॉडी जो होती है इनकी वो एंगुलर टाइप की होती है, कोणीय टाइप की होती है, कोणीय शेप में। 25 इंच के इनके क्या होते हैं, स्पाइक होते हैं, कांटे होते हैं, नुकले, जबकि स्मॉल इनका ब्रेन होता है। बॉडी वेट देखा जाए तो कैसा होता है, एलिफेंट के जैसे नजर आएंगे। इसके बाद में आता है तीसरा, जो कि सिरेटोप्सिया सब ऑर्डर है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर हॉर्न टाइप डायनासोर है, यानी कि सिंग निकले हुए डायनासोर है। यहाँ पर फॉसिल फाउंड, इनके फॉसिल प्राप्त हुए हैं रॉकी माउंटेन, जो कि एक तरीके से क्या है, न्यू मैक्सिको में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एक ही है, ट्राइसेरेटॉप्स, और इसकी विशेषता जो है वो 25 फुट इसके आकार की है, और रिनोसेरस लाइक यानी कि गेंडे की आकृति के समान ये डायनासोर थे। तीन जो है इनके सींग प्रेजेंट होते हैं हेड के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग आर्मोरेड यानी कवच पाया जाता था। डायग्राम से आप समझ सकते हो, 1, 2 और 3 ये सींग इनकी, ठीक है, और आपको ये इनकी आकृति जो है वो रिनोसेरस के जैसे नज़र आ रही है, गेंडे जैसी आकृति इनकी नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला रीजन, भाई एक्सटेंट के रीजन क्या है, एक्सटेंट के रीजन क्या है। तो एक्सटेंट का रीजन सिंपल सा है,
जब पृथ्वी के अंदर क्लाइमेट चेंज हो गई, या मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग इनके सिद्धांत दिए गए हैं। किसी ने बोला है कि भाई उल्का नामक पिंड जो है वो पृथ्वी पर गिर गया, जिसके कारण क्या हो गया, पृथ्वी की जो जलवायु है वो चेंज हो गई और उसके बाद में ये जो डायनासोर वो विलुप्त हो गए हैं। या फिर किसी साइंटिस्ट ने ये बताया हुआ है कि भाई जो पृथ्वी है उसके ऊपर क्या हो गया, पृथ्वी जो है वो नष्ट हो गई, उथल पुथल हो गई, जिसके कारण भी डायनासोर क्या हो गए, ख़त्म हो गए और उनके जीवाश्म आदि में प्राप्त हो रहे हैं। तो मोस्टली तो ये माना जाता है कि भाई उल्का पिंड जो है वो ज़मीन पे गिरा, जिसके कारण क्या हुआ, ज़मीन पे गिरते ज़मीन में से धुआं, ठीक है, और उनके कण जो है वो वातावरण में फैल गए और प्रकाश जो है उसकी वजह से पृथ्वी पे पहुँच नहीं पाया, वापस रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ पर प्योर एक तरीके से क्या हो गया, अंधेरा छा गया, जिसके कारण जलवायु है वो बदल गई। और ये जो जलवायु है वो काफ़ी सालों तक, मान सकते हैं अपन 1000, 10000 या फिर इससे भी ज़्यादा वर्षों तक वो इसी प्रकार से रही, जिसके कारण धीरे धीरे जो डायनासोर है वो ख़त्म होते हुए चले गए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।